हेलो एवरीवन मु अजय आपमन वेलकम करछि एल मेडिकल लाइव यूट्यूब चैनल को। आज आम डिस्कसन करबा ओबीजी पार्ट 11 सिलेक्शन एमसीक्यू पर जो मैंने भी ओट्री पॉलिसी कि एम्स नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम प्रिपरेशन होती तो भिडियो को लास्ट पर्यटन देखो। भिडियो जमार भी स्किप करूँ ना कहीं भिडियोटा भेरी 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 इंपोर्टाट आम जाऊँगी। जदि पर्यटन जब आप चैनल को सब्सक्राइब करना तो एवं जल्दी सब्सक्राइब कर दिंतु। देखो डेली डेली क्लास हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर दिंतु। आप डेली क्लास करेंगे डेली भिडियो देखिपारे तो जब सब्सक्राइब करना तो एवं ही सब्सक्राइब कर दिंतु। ठीक अच्छे जदि आपड़ी प्रिवियस क्लास को जब करना तो ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में मुझे प्रिवियस क्लास रो लिंक सब जगह दे देछि। लिंक पर क्लिक करूँ आ प्रिवियस क्लास रो गुड़ाक करनी। ठीक अच्छे जदि आप क्लास टाइम जानना तो आम क्लास टाइम होची डेली 9 PM लाइव क्लास होची। सबुदिन राति 9 आम लाइव क्लास होची तो जॉइन हो जातु राति 9 सबुदिन। ठीक अच्छे चलता आज क्लासटा स्टार्ट करवा। प्रिवियस क्लास में मुझे गोटे क्वेश्चन पचारी आई फास्ट राइट आंसर दे पारे मुझे नेक्स्ट क्लास रे अनाउंस करी। तो क्वेश्चन कौन थी फास्ट देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड बी द नर्स टेक फास्ट फॉलोइंग ए वायलेंट एपिसोड इन ए साइकेट्रिक यूनिट। तो कौन कहला ना आम जब साइकेट्रिक यूनिट रे। ठीक अच्छे जब आम वायलेंट एपिसोड जब हुए तो आम आज ए नर्स आम फास्ट एक्शन। ठीक अच्छे फास्ट एक्शन आम भितर कौटा नेबा। ठीक अच्छे तो ऑप्शन कौन थी ना रिस्ट्रेन द क्लाइंट, बी ऑप्शन अच्छी एडमिनिस्ट्रेट सेडेटिव, सी ऑप्शन अच्छी कॉल फिजिशियन, डी ऑप्शन अच्छी कॉल हॉस्पिटल सिक्यूरिटी। ठीक अच्छे यार कौटा राइट आंसर हम यार राइट आंसर हम ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कॉल हॉस्पिटल सिक्यूरिटी। ठीक अच्छे जब आम वायलेंट एपिसोड जब हुए आम कौटी ना साइकेट्रिक यूनिट जे ताल आम कौन कर फास्ट आम एक्शन कौन रहा कॉल हॉस्पिटल सिक्यूरिटी हॉस्पिटल जो सिक्यूरिटी थे फास्ट डाकवा फास्ट आम कॉल करवा। ठीक अच्छे बुझीपारे तो ऑप्शन डी हूँ आमर राइट आंसर। ठीक अच्छे आम बहुत पिला राइट आंसर देते किसी पिला रंग आंसर भी देते। तो फास्ट जी राइट आंसर देते से होती आम रेगुलर प्लेयर सबुबे आम वीडियो देखते सबुबे राइट कमेंट कर कल्पना दत्ता। कंग्राचुलेसन कल्पना दत्ता एमती आम भिडियो देखते एमती आम भर पाई देखते आपन फ्यूचर ब्राइट हो। ठीक अच्छे चलता आज फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखा। आज क्लास में आपको गोटे लास्ट क्वेश्चन पचारि आ फास्ट जी राइट आंसर दे पारे मुझे नेक्स्ट क्लास रे अनाउंस करी। ठीक अच्छे फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइन ऑफ प्लासेंटा सेपरेशन एंड डिसेंट एक्सेप्ट। ठीक अच्छे सबुजाक साइन आमर कौन ना आम प्लासेंटा सेपरेशन आउ डिसेंट रो गोटे गोटे साइन। ठीक अच्छे एक्सेप्ट कौ गोटे को छाड़ी कौ गोटे को छाड़ी या बाकी सब आम रहा कौन ना प्लासेंटा सेपरेशन आउ डिसेंट रो साइन। ठीक अच्छे तो ऑप्शन कौन अच्छे फास्ट देखा ये ऑप्शन अच्छे लिथिटिंग ऑफ कॉर्ड, बी ऑप्शन अच्छे फंड्स बिकम राउंड, सी ऑप्शन अच्छे स्मॉल फेस ब्लड लॉस, डी ऑप्शन अच्छे शॉर्टनिंग ऑफ कॉर्ड। ठीक अच्छे तो कौटा हम रईट आंसर कहतु 10 1 रे होना बी होना सी होना डी हे समस्त कमेंट बक्स कमेंट करूँ देखा कत पे रईट आंसर दे पार्टी समस्त कमेंट करूँ। ठीक अच्छे रईट आंसर हम ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर शॉर्टनिंग ऑफ कॉर्ड। शॉर्टनिंग ऑफ कॉर्ड हूँ जोटा कि आम प्लासेंटा सेपरेशन ऑफ डिसेंट रो साइन नुह। ठीक अच्छे साइन नुह बाकी जो तीन टा देला लिथिटिंग ऑफ कॉर्ड हो कि फ्रंट्स बिकम राउंड हो कि स्मॉल फेस ब्लड लॉस हो तीन टा जाक कौन ना आम प्लासेंटा सेपरेशन ऑफ डिसेंट रो आमर गोटे गोटे साइन किंतु आम शॉर्टनिंग ऑफ कॉर्ड हूँ आम साइन नुह एक्सेप्ट जेहेतु देती से रईट आंसर है ऑप्शन डी शॉर्टनिंग ऑफ कॉर्ड। बुझीपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा मेजर गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन इज। ठीक अच्छे आमर मेजर गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन कौटा। ठीक अच्छे तो ऑप्शन कौन अच्छे फास्ट देखा ये ऑप्शन अच्छे ऑक्सीटोसिन, बी ऑप्शन अच्छे प्रोलैक्टिन, डी सी ऑप्शन अच्छे एस्ट्रोजेन, डी ऑप्शन अच्छे प्रोजेस्टेरोन। ठीक अच्छे कौटा हम रईट आंसर कहूँ जो मैंने भी रईट आंसर जानते जल्दी जल्दी कमेंट बक्स में कमेंट कर दिंतु देखा कत जन पे रईट आंसर दे पार्टी टू रोना बी होना सी होना डी हे समस्त कमेंट बक्स में कमेंट करूँ। ठीक अच्छे राइट आंसर वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑक्सीटोसिन। ठीक अच्छे ऑक्सीटोसिन जोटा आम रहा से कौन आम मेजर गैलेक्टोकाइनेटिक रो मेजर हार्मोन जोटा। ठीक अच्छे मेजर गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन कौन ना ऑक्सीटोसिन। बुझीपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा लेट डाउन इज अल्सो नाइन नाच। ठीक अच्छे लेट डाउन इज अल्सो नाच नाम कौन कहते लेट डाउन को आम कौन बोली कही था। ठीक अच्छे तो ऑप्शन कौन अच्छे देखा ये ऑप्शन अच्छे मिल सिक्रेटिंग रिफ्लेक्स, बी ऑप्शन अच्छी मिल इजेक्शन रिफ्लेक्स, सी ऑप्शन अच्छी रोटिंग रिफ्लेक्स, डी ऑप्शन अच्छी सॉकिंग रिफ्लेक्स। ठीक अच्छे कौटा हम रईट आंसर कहूँ कौ रिफ्लेक्स टाइम आम कौन कही ना लेट डाउन कही ठीक अच्छे। तो जो मैंने रईट आंसर जानते तो जल्दी जल्दी कमेंट बक्स में कमेंट कर दूँ देखा कितने पिला रईट आंसर दे पार्टी समस्त कमेंट करूँ जिते जन लाइव देखुं। ठीक अच्छे ये रईट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर मिल इंजेक्शन फ्लेक्स रिफ्लेक्स। ठीक अच्छे मिल इंजेक्शन रिफ्लेक्सटा कौन कही था ना लेट डाउन कही था। ठीक अच्छे बुझिपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा Which among the following is the potentially harmful side effect of epidural anesthesia? ठीक अच्छे कौन कहला ना आमर एपिड्यूराल जो anesthesia दिया जाए थे। ठीक अच्छे एपिड्यूराल जो anesthesia दिया जाए थे तो potentially harmful side effect कौन? ठीक अच्छे यही भितर potentially harmful side effect कोटा ये भितर कहतु जोटा कि आमर एपिड्यूराल anesthesia रे हेइथाय। तो ऑप्शन कौन अच्छे फास्ट देखा ये ऑप्शन अच्छे हाइपोटेंशन, बी ऑप्शन अच्छे हेडेक, सी ऑप्शन अच्छे डिक्रीज यूरिन आउटपुट, डी ऑप्शन अच्छे इनक्रीज रेस्पिरेशन। ठीक अच्छे कोड है रईट आंसर फोर होना बी होना सी होना डी हो समस्त कमेंट बक्स में कमेंट करूँ देखा केत जन पिला रईट आंसर दे पार्टी समस्त कमेंट करूँ। ठीक अच्छे यार रईट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हाइपोटेंशन। ठीक अच्छे आमर जो हाइपोटेंशन होता है एपिड्यूराल एनेस्थेसिया रे सेटा होची कोन ना आमर पोटेंशियली हार्मफुल साइड इफेक्ट। ठीक अच्छे आमर एपिड्यूराल एनेस्थेसिया रो पोटेंशियली हार्मफुल साइड इफेक्ट कोन होता है ना हाइपोटेंशन होता है। बीपी आमर डिक्रीज कर जाता है, बीपी आमर डिक्रीज कर जाता है। बुझी पारले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेन्ट इन ब्रेस्ट मिल्क इज। ठीक अच्छे आमर ब्रेस्ट मिल्क रे को इम्यूनोग्लोबिन आमर प्रेजेन्ट थाए। ठीक अच्छे प्रेजेन्ट थाए आमर को इम्यूनोग्लोबिन ब्रेस्ट मिल्क रे। ठीक अच्छे तो ऑप्शन कौन अच्छे देखा ये ऑप्शन अच्छे आईजी, बी ऑप्शन अच्छे आईजीडी, सी ऑप्शन अच्छे आईजीजी, डी ऑप्शन अच्छे आईजीएम। ठीक अच्छे ये भितर कोटा है रईट आंसर कहूँ जो मैंने रईट आंसर जानते तो जल्दी जल्दी कमेंट बक्स में कमेंट कर दूँ देखा केत जन पिला रईट आंसर दे पार्टी समस्त कमेंट करूँ। तो जिते जन भाई लाइव देखुं ठीक अच्छे यार रईट आंसर हम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आईजीए जो आम आईजीए जो इम्यूनोग्लोबिन रहा है आम प्रेजेन्ट है कौथे ना ब्रेस्ट मिल्क रे मन रखु यहाँ हूँ भेरी 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 इंपोर्टाट क्वेश्चन आमर ब्रेस्ट मिल्क को इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेन्ट थाए ना आम आईजीए इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेन्ट थाए ब्रेस्ट मिल्क रे। बुझिपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ओनली इम्यूनोग्लोबिन व्हिच कैन क्रॉस द प्लासेंटा इज। ठीक अच्छे आम कौन कहला ना प्लासेंटा को जो क्रॉस करता है ओनली को इम्यूनोग्लोबिन आम क्रॉस करता है प्लासेंटा को। ठीक अच्छे तो ऑप्शन कौन अच्छे देखा ये ऑप्शन अच्छे आईजीए, बी ऑप्शन अच्छे आईजीएम, सी ऑप्शन अच्छे आईजीजी, डी ऑप्शन अच्छे आईजीए। ठीक अच्छे कोटा है रईट आंसर कहूँ जो मैंने रईट आंसर जानते तो जल्दी जल्दी कमेंट बक्स में कमेंट कर दूँ देखा केत जन पिला रईट आंसर दे पार्टी समस्त कमेंट करूँ। ठीक अच्छे रईट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आईजीजी। ठीक अच्छे आमर जो आईजीजी रहा से कौन होता है ना आम प्लासेंटा को क्रॉस करता है। ठीक अच्छे ओनली इम्यूनोग्लोबिन कोटा है ना आईजीजी जो आम रहा से कौन होता है ना ब्रेस्ट प्लासेंटा को क्रॉस कर। ठीक अच्छे तो ऑप्शन सी हूँ आमर रईट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द हिंड मिल्क इज रिच इन। ठीक अच्छे आमर हिंड मिल्क रे कोटा आमर अधिक परिमाण रे थाए बा को विटामिन को मिनेराल आम कौन होता है ना अधिक परिमाण रे आमर थाए कौन। ठीक अच्छे तो ऑप्शन कौन अच्छे देखा ये ऑप्शन अच्छे फैट एंड विटामिन, बी ऑप्शन अच्छे विटामिन एंड मिनेराल, सी ऑप्शन अच्छे फैट एंड एनर्जी, डी ऑप्शन अच्छे प्रोटीन एंड एनर्जी। ठीक अच्छे कोटा है रईट आंसर कहूँ जो मैंने रईट आंसर जानते तो जल्दी जल्दी कमेंट बक्स में कमेंट कर दूँ सेवेन रे होना बी होना सी होना डी हो समस्त कमेंट बक्स में कमेंट करूँ। ठीक अच्छे रईट आंसर हम ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फैट एंड एनर्जी। फैट आउ एनर्जी आमर कौन थाए ना आमर अधिक थाए कौथे ना हिंड मिल्क रे। ठीक अच्छे हिंड मिल्क रे आमर जोड़ा रहा से आमर फैट आउ एनर्जीटा अधिक परिमाण रे थाए। ठीक अच्छे बुझिपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द मिल्क सिक्रेटेड 2 weeks आफ्टर डेलीवरी ऑफ द बेबी इज नोन एज। ठीक अच्छे आमर डेलीवरी बेबी डेलीवरी हबार 2 weeks पर। ठीक अच्छे बेबी डेलीवरी हबार 2 weeks पर आमर को मिल्क आमर सिक्रेटेड होता है से जो सिक्रेटेड होता है से मिल्क टाक आम कौन बोली कही था। ठीक अच्छे जो मिल्क सीक्रेट रही है 2 वीक्स पर आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी ताको आम कौ मिल्क कही था। ठीक अच्छे तो ऑप्शन कौन अच्छे देखा ऑप्शन अच्छे क्लोस्ट्रम, बी ऑप्शन अच्छे मेचर मिल्क, सी ऑप्शन अच्छे ट्रांजिशनल मिल्क, डी ऑप्शन अच्छी 4 मिल्क। ठीक अच्छे कौटा हम रईट आंसर कहतु जो मैंने भी रईट आंसर जानते तो जल्दी जल्दी कमेंट बक्स में कमेंट कर दिखाँ देखा केत जन पिला रईट आंसर दे पार्टी समस्त कमेंट करूँ जिते जन पे लाइव देखुंत। ठीक अच्छे रईट आंसर हम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर मैच्योर मिल्क। ठीक अच्छे आम मैच्योर मिल्क कही था कौटा आम जो डेली बेबी डेलीवरी होबार 2 वीक्स पर जोटा आम 14 डेज पर जो मिल्क आम जो सिक्रेटेड होता आम कौन कही था ना मैच्योर मिल्क कही था 2 वीक्स पर मन रखते ये भेरी 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 इंपोर्टाट क्वेश्चन 2 वीक्स पर जो आम जो मिल्क सिक्रेसन होता आम कौन कही था ना मैच्योर मिल्क। बुझीपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इन ए मल्टीपरस मदर ड्यूरेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज। ठीक अच्छे आम गोटे मल्टीपरस मदर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर रे केते आमर ड्यूरेशन नहीं थाए बा केते ड्यूरेशन आमर दरकार बा होता है मल्टीपरस मदर पाखे। ठीक अच्छे तो ऑप्शन कौन अच्छे देखिए ऑप्शन अच्छी 10 to 50 मिनिट्स, बी ऑप्शन अच्छी 15 to 30 मिनिट्स, सी ऑप्शन अच्छी 30 to 45 मिनिट्स, डी ऑप्शन अच्छी 45 to 60 मिनिट। ठीक अच्छे कौटा हम रईट आंसर कहूँ जो मैंने भी रईट आंसर जानते जल्दी जल्दी कमेंट बक्स में कमेंट कर दूँ देखा केत जन पिला रईट आंसर दे पार्टी समस्त कमेंट करूँ 9 बी होना सी होना डी हो कमेंट करूँ। ठीक अच्छे रईट आंसर हम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 10 to 15 मिनिट्स। ठीक अच्छे आम 10 to 15 मिनिट्स नहीं था गोटे मल्टीपरस ओमेन मदर कोठे रे ना थर्ड स्टेज ऑफ लेबर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो ड्यूरेशन आम थाए गोटे मल्टीपरस ओमेन रे 10 to 15 मिनिट्स होता है। बुझीपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द मेन कज ऑफ वेनस थ्रोम्बोसिस इन प्यूरिपेरम ओमेन इज। ठीक अच्छे आमर प्यूरिपेरम ओमेन पाख जो भेनस थ्रोम्बोसिस होता है। ठीक अच्छे भेनस थ्रोम्बोसिस जो होता है गोटे प्यूरिपेरम ओमेन पाखे तो आमर मेन कज आमर कौन। ठीक अच्छे मेन कज आमर कौन जोटा कि गोटे प्यूरिपेरम ओमेन पाखे आमर जो भेनस थ्रोम्बोसिस होता है। ठीक अच्छे तो ऑप्शन कौन अच्छे देखा ऑप्शन अच्छी इनक्रीज विकोसिटी ऑफ ब्लड ड्यू टू डिहाइड्रेशन, बी ऑप्शन अच्छी डिक्रीज विकोसिटी ऑफ ब्लड ड्यूरिंग लेबर, सी ऑप्शन अच्छी स्टैटिस ऑफ ब्लड इन वेन ड्यू टू लेट एम्बुलेशन, डी ऑप्शन अच्छी इनक्रीज इनटेक ऑफ फैट डाएट फैट इन डाएट। ठीक अच्छे तो कौटा हम रईट आंसर कहूँ ए होना बी होना सी होना डी हो समस्त कमेंट बक्स में कमेंट करूँ देखा केत जन पिला रईट आंसर दे पार्टी समस्त कमेंट करूँ जदि जन भी लाइव देखुंत। ठीक अच्छे राइट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर स्टैटिस ऑफ ब्लड इन वेन ड्यू टू लेट एम्बुलेशन आमर लेट एम्बुलेशन कारण रू। ठीक अच्छे आम कौन होता है ना भेन रो जो ब्लड रे स्टैटिस हो जाए। ठीक अच्छे स्टैटिस हो जाए कौन ना जो आम भेन रो ब्लड रे स्टैटिस हो जाए ड्यू टू कौन ना लेट एम्बुलेशन कारण से कारण मेन कज हो सहीटा जोटा कि आम प्यूरिपेरम स्टेज आमर कौन होता है ना भेनस थ्रोम्बोसिस हो जाए। बुझीपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द मोस्ट कॉमन कज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज इज। ठीक अच्छे ये भेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो आमर पोस्टपार्टम हेमरेज जोटा कि आम कहूँ पीपीएच। ठीक अच्छे पीपीएच रो मोस्ट कॉमन कज कौन। ठीक अच्छे मोस्ट कॉमन कज कौन जोटा कि पीपीएच हेबार। ठीक अच्छे तो ऑप्शन कौन अच्छे देखा ऑप्शन अच्छे वेजिनल लैसेरेशन, बी ऑप्शन अच्छी हेमाटोलॉजिकल डिजॉर्डर, सी ऑप्शन अच्छी ब्लीडिंग डिजॉर्डर, डी ऑप्शन अच्छी यूट्राइन एटोनिसिटी। ठीक अच्छे तो कौटा हम रईट आंसर कहूँ जो मैंने भी रईट आंसर जानते तो जल्दी जल्दी अभी कमेंट बक्स में कमेंट कर दूँ देखा केत जन पिला रईट आंसर दे पार्टी समस्त कमेंट करूँ जिते जन लाइव देखुंत। ठीक अच्छे राइट आंसर हम ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यूट्राइन एटोनिसिटी। यूट्राइन एटोनिसिटी जो आम रहा से जो मोस्ट कॉमन कज। ठीक अच्छे मोस्ट कॉमन कज यूट्राइन एटोनिसिटी जोटा कि आम पीपीएच हेबार। ठीक अच्छे पीपीएच आम मोस्ट कॉमन कज कौन ना आम यूट्राइन एटोनिसिटी। बुझीपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कॉमनेस्ट कॉज ऑफ प्यूरिपेराल सेप्सिस इज ठीक अछि हमर प्यूरिपेराल सेप्सिस रो कॉमनेस्ट कॉज हमरो कोन ठीक अछि कॉमनेस्ट कॉज कोन हमरो प्यूरिपेराल सेप्सिस रो ठीक अछि तो ऑप्शन कोन अछि देखिबा फर्स्ट ए ऑप्शन अछि एंडोमेट्रियोसिस बी ऑप्शन अछि एंडोमेट्राइटिस सी ऑप्शन अछि एंडोपारामेट्राइटिस ठीक डी ऑप्शन अछि ऑल ऑफ द अबव ठीक अछि तो कोटा हमर राइट आंसर कोन तो 12 वाई है बना बी है बना सी है बना डी है कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु देखिबा केते जण पिला राइट आंसर दे परछन समस्त कमेंट करंतु ठीक अछि राइट आंसर अब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एंडोमेट्राइटिस ठीक अछि एंडोमेट्राइटिस जो हमर रहला सेटा होय हमर कोन जोडे कॉमन कॉज काहरो ना प्यूरिपेराल सेप्सिस रो ठीक अछि एंडोमेट्राइटिस कोन ना हमर इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम जदि हमर इन्फ्लेमेशन हो जायते ताको हम कोन कहताउ ना एंडोमेट्राइटिस ठीक अछि एंडोमेट्राइटिस कहताउ जोटा कि हमर इन्फ्लेमेशन होइताए एंडोमेट्रियम रे सेटा होय हमर कोन कॉमन कॉज जोटा कि प्यूरिपेराल सेप्सिस रो ठीक अछि त हमर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा साइन एंड सिम्पटम ऑफ इन्फेक्शन इन पोस्टपार्टम पीरियड वुड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ठीक अछि हमर एक्सेप्ट पचर की फास्ट देखन तो एक्सेप्ट पचर छी को गोटे को छाडी की ठीक अछि को गोटे को छाडी के हमर पोस्टपार्टम पीरियड रो जोटा कि हमर साइन एंड सिम्पटम कहार ना इन्फेक्शन रो ठीक अछि पोस्टपार्टम पीरियड जो इन्फेक्शन हमर हिताए सब जाक साइन एंड सिम्पटम ठीक अछि को गोटे को छाडी की ठीक अछि तो ऑप्शन कोन अछि देखिबा फास्ट ए ऑप्शन अछि फॉल स्मेलिंग लोचिया बी ऑप्शन अछि रैपिड पल्स सी ऑप्शन अछि जनरलाइज्ड रैश डी ऑप्शन अछि डिस्कम्फर्ट एंड टेंडरनेस ऑफ एब्डोमेन ठीक अछि तो कोड हेबो राइट आंसर कोन तो 13 रो हेबो ना बी हेबो ना सी हेबो ना डी हेबो समस्त कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु देखिबा के जण पिला राइट आंसर दे परछंती जते जण बे लाइव अछंती समस्त कमेंट करंतु ठीक अछि राइट आंसर अब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर जनरलाइज राज ठीक है जनरलाइज राज एटा होय हमर जोटा कि हमर एक्सेप्ट ठीक अछि एटा होय हमर कोन ना हमर एक्सेप्ट जोटा कि हमर पोस्टपार्टम पीरियड हमर कोन हिता ना इन्फेक्शन रो साइन एंड सिम्पटम नुह ठीक अछि बाकी जो तीनटा अछि फाउल स्मेलिंग लोचिया रैपिड पल्स डिस्कम्फर्ट एंड टेंडरनेस ऑफ एब्डोमेन ए तीनटा जक कोन ना हमर जोटा पोस्टपार्टम पीरियड रो जो इन्फेक्शन हिते तारो साइन एंड सिम्पटम तीनटा जक साइन एंड सिम्पटम ठीक अछि किंतु जनरलाइज राज हमर नुह साइन एंड सिम्पटम कहार ना हमर पोस्टपार्टम टाइम पीरियड टाइम जो इन्फेक्शन होते तार साइन एंड सिम्पटम नुह कोटा ना जनरलाइज रास बुझी पारले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द प्रोसेस ऑफ मिल्क सिंथेसिस एंड सिक्रेशन फ्रॉम द ब्रेस्ट एल्वियोली इज कॉल्ड ठीक अछि कोन कहला ना हम जो सिक्रेशन होता है ब्रेस्ट एल्वियोली जो हमरो कोन होता है ना सिंथेसिस और सिक्रेशन जो होता है सही प्रोसेसटा को आम कौन बोली कहवा ठीक अच्छे हमर जो मिल्क सिक्रेशन आउ सिंथेसिस होताए कौटू ना ब्रेस्ट एल्वियोली जो सही प्रोसेसटा को आम कौन कहवा ठीक अच्छे तो ऑप्शन कौन अच्छे देखा ये ऑप्शन अच्छी मेमोजेनेसिस बी ऑप्शन अच्छी लैक्टोजेनेसिस सी ऑप्शन अच्छी गैलेक्टोकाइनेसिस डी ऑप्शन अच्छे गैलेक्टोपोएसिस ठीक अच्छे तो कोटा हेब रईट आंसर कौन तो जो मैंने भी रईट आंसर जानते तो जल्दी जल्दी कमेंट बक्स कमेंट कर दिखाँ देखा केत जन पिला रईट आंसर दे पार्टी समस्त कमेंट करूँ जिते जन लाइव देखुंत ठीक अच्छे राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर लैक्टोजेनेसिस ठीक अच्छे लैक्टोजेनेसिस आम कही कोटा को ना आम जो सिंथेसिस और सिक्रेशन होता है फ्रॉम कोटू ना ब्रेस्ट एल्वियोली जो होता है सही प्रोसेस टाक हमरो कौन कहता ना हमरो लैक्टोजेनेसिस कहता बुझी पारले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इफ द यूटेरस बिकम बजी आफ्टर 1 आवर ऑफ डिलीवरी द इनिशियल रेस्पॉन्स ऑफ द मिडवाइफ वुड बी टू ठीक अछि कौन कहला ना हमरो डिलीवरी हेबारो 1 आवर पर ठीक अच्छे आफ्टर डिलीवरी 1 आवर पर जो हमर यूटेरसटा कौन होता है ना बिकम बल्जी ठीक अच्छे बल्जी हो जाता है जोटा तो इनिशियली हमर रेस्पॉन्सटा गोटे कौन रहिबो ठीक अच्छे हमर मिडवाइफ रो इनिशियली रेस्पॉन्सटा हमर कौन रहिबो ठीक अच्छे तो ऑप्शन कौन अछि देखिबा ऑप्शन अछि नोटिफाई द फिजिशियन सी ऑप्शन बी ऑप्शन अछि चेक द ब्लड प्रेशर सी ऑप्शन अछि मसाज द यूटेरस डी ऑप्शन अछि ऑब्जर्व द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग ठीक अच्छे तो कौटा हम रईट आंसर कहूँ ए होना बी होना सी होना डी हो समस्ते ये रईट आंसर दिखाँ समस्त कमेंट बक्स में कमेंट करूँ ये हूँ टास्क रहा ठीक अच्छे यहाँ हूँ आम टास्क रहा जे फास्ट रईट आंसर दे पारे मुझे नेक्स्ट क्लास में अनाउंस करी तो समस्ते ट्राए करूँ रईट आंसर देवाई क्वेश्चनटा नेक्स्ट क्लास में आम डिस्कसन करवा ठीक अच्छे आजपाई ये पुणी देखा नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे जदि आज क्लासटा जी आपड़ी भल लगी थाए तो लाइक शेयर करने को जमारे भूलते नहीं आज क्लासटा आपमती लगे कौ टॉपिक पर आप क्लास चाहते तो कमेंट करके निहाती जनातु जदि पर्यटन जी आम चैनल जो सब्सक्राइब करना तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिखाँ बाकी नेक्स्ट क्लास व नेक्स्ट वीडियो आपको फास्ट नोटिफिकेशन पड़ेगा आप फास्ट क्लास करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।